हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइजेस आर 3.0, 4.5, -1.4 एंड -2.-1 टेकन इन ऑर्डर। तो आपको चारों वर्टाइसेस दे रखे हैं रोम्बस के, आपको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। अब आपको इसके वर्टाइसेस दे रखे हैं, तो 3.0, देन 4.5, देन -1.4 और लास्ट दे रखा है आपको -2.-1। ठीक है, ये चार वर्टाइसेस दे रखे हैं आपको, अब इसका एरिया निकालना है आपको। अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, हाफ इंटू डायगनल 1 की लेंथ इंटू डायगनल 2 की लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगनल 1 और डायगनल 2 की लेंथ को निकालेंगे। ठीक है, अब लेंथ निकालना है तो इसके अंदर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जब ए सी होगी पहली डायगनल, तो ए सी के अंदर डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर एक्स वन फॉर ए सी, फॉर ए सी एक्स वन क्या हो जाएगा हमारा 3 और एक्स टू क्या हो जाएगा हमारा -1, वाई वन क्या हो जाएगा हमारा 0 एंड वाई टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है, मतलब लेंथ निकालनी है। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दैट इज एक्स टू कितना है हमारा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है 4 -0 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो दैट इज़ रूट 16 प्लस 16। अब 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, रूट 32। अब और रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दो दो के पैर बन गए, तो इससे आ गया हमारे पास 4√2। ठीक है, तो ए सी की लेंथ आ गई हमारे पास 4√2। सिमिलरली फॉर बी डी, हम बी डी के लिए निकालेंगे। तो बी डी के लिए एक्स वन क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वन इज़ 4 एंड एक्स टू इज़ -2, वाई वन इज़ 5 एंड वाई टू इज़ -1। तो बी डी की लेंथ निकालनी है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दैट इज एक्स टू क्या है -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 36 प्लस 36, तो ये हो जाएगा √72। और √72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2। जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब उसको क्या लिखेंगे, 6 × 6 × 2, तो 2 6 आ जाएंगे, तो 1 6 बाहर हो जाएगा, तो दैट इज 6√2। ठीक है, तो हमारे पास ए सी की लेंथ आ गई, बी डी की लेंथ आ गई। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हाफ इंटू डायगनल 1 क्या है, ए सी इंटू बी डी। अब इनकी लेंथ रख देंगे हम, तो हाफ इंटू ए सी की लेंथ क्या आई थी 4√2 और बी डी की लेंथ आई हमारे पास 6√2। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 × 6 × √2 इंटू रूट टू क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज़ 24। तो देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 24। ठीक है, आपको एरिया ऑफ रोम्बस ही पूछा था, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज 24। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 और आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट होती है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 7.3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।